थोड़ा सा बच्चों एक बार फिर हम लोग लंदन फोर्स का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सारा क्वेश्चन इसी से क्रिएट होता है। तो बच्चों आसानी से सीखेंगे, वीडियो देखते रहिए। टॉपिक है टेंस, टेन, टेनियस, डायपोल, इंड्यूस्ड, डायपोल, अट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, इंट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, इंट्रैक्शन। अब बच्चों यहां समझना है ना, ये समझ गए तो बाकी आप आसानी से समझ जाएंगे। इंस्टेंटेनियस मींस होता है अचानक या एट ए पार्टिकुलर टाइम पर डायपोल होना, है ना। कभी कभी देखते हैं धूप में बारिश का होना और एक बैर रुक जाना, यानी अचानक परिवर्तन होना। तो कहता है रियली में जो है बच्चों नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, और एक इंड्यूस्ड डायपोल है, यानी ये भी आपका नॉन पोलर है, नॉन पोलर है ना। अब नॉन पोलर में बच्चों H2 को ले लीजिए, Cl2 को ले लीजिए, O2 को ले लीजिए, N2 को ले लीजिए, आपकी मर्जी जिसको लेना है। यहां बच्चों H2 को लेते हैं, अब इसके एटॉमिक ऑर्बिटल को बनाते हैं, है ना। अचानक इसमें डायपोल आ जाता है। कहता है इसमें होता क्या है कि एक साइड इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, है ना। तो दूसरा साइड इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, कमी हो गई। अब कहता है इंड्यूस्ड डायपोल आता है H2, ये बिल्कुल अस्थिर है बच्चों, अस्थिर है। अब इसका काम है, इसका कहना है हम तो डूबे हुए हैं ही, तुमको भी डुबा देते हैं। अब ये जो है इसको कर देता है डायपोल, है ना, इसीलिए इसको इंड्यूस्ड डायपोल। और ये क्या हो गया, इंस्टेंट डायपोल, यानी यहां हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, आई साइड हो गया बच्चों आपका प्लस प्लस प्लस। अब ये दोनों के बीच क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। इसी को कहते हैं लंदन फोर्स, है ना, या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। इसी को कहते हैं बच्चों डिस्पर्सन फोर्स। और वंडरवाल्स का 5 टाइप फोर्स है बच्चों, इसमें सबसे बिग कौन है, ए। पहला है आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। दूसरा है डायपोल इंट्रैक्शन। तीसरा है बच्चों आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। और फोर्थ है आपका डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। और फिफ्थ है बच्चों, इसको सिंपल लिख दीजिए, लंदन। अब इसमें आपसे पूछेगा सबसे बिग कौन है, सबसे बिग के है, तबे है, तबे है, तबे है, तबे, यानी फर्स्ट जो है स्ट्रॉन्ग है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। अब बच्चों यहां तक छापी। कंपेयर द वंडर वाल्स फोर्स। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक सिलेंडर है ना, क्या है, सिलेंडर है। इसमें जो है बच्चों F2 दोनों क्या है, नॉन पोलर है। इसका मतलब ये क्या है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, है ना, यही फोर्स इसमें होगा। एक फिर सिलेंडर लीजिए, इसमें जो है बच्चों Cl2 दोनों नॉन पोलर है, इसमें भी वही बात है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, है ना। एक और सिलेंडर लीजिए, इसमें बच्चों आपका Br2 है ना, सेम कंडीशन, नेचर सिर्फ अलग अलग है। एक में बच्चों आपका I2 है।
अब बताइए ये चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा। तो कहता है वंडर बॉल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल वेट या एटॉमिक वेट, यानी जिसका मोलेकुलर वेट ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है कि आई टू है, इसके बाद ए है, इसके बाद ए है। अब बच्चों नॉर्मल कंडीशन यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये जो है आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है और ये दोनों जो है आपका क्या है, गैस है। ऐसा क्यों? ड्यू टू द वंडरवाल्स फोर्स। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट। तो हमेशा याद रखिएगा वंडर वाल्स फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, है। अब जैसे मान लिया हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडान है, आपसे पूछेगा ये सभी इनर्ट गैस है, आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका वंडर वाल्स फोर्स ज्यादा, और वंडर वाल्स फोर्स जब एटोमिक वेट ज्यादा होगा तो इसका है, तब इसका है, तब इसका है, तब इसका, तब इसका। कितना आसान है बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो है बच्चों C5H2 है ना, इसको कहते हैं अल्केन का पांचवा मेंबर है, पेंटेन है ना। इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 CH2, 1 2 3 CH2 CH3। स्ट्रेट लाइन में है बच्चों, इसको कहेंगे नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा है CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसको कहेंगे आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। तीसरा है बच्चों CH3 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 CH3, इसका नाम है नियो पेंटेन। अब आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, कहता है सभी का मोलिकुलर वेट सेम है ना, C5H2 में ले आइसोमर से है बच्चों। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि वंडरवाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है सरफेस एरिया, यानी जिसका सरफेस एरिया बड़ा होगा वंडरवाल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका हायर होगा। उस स्थिति में बच्चों आपका क्या आ जाता है, नॉर्मल पेंटेन। यही बच्चों आज का कथा है, इसी के साथ